वेलकम डियर स्टूडेंट फ्री जॉब अलर्ट एंड एजुकेशन चैनल। तो स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन कर्मचारी आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट जो था PET, उसका क्वेश्चन पेपर, उसके आंसर की हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन कौन से आंसर उसके राइट हो सकते हैं GS पोर्शन के। और आप लोग पेपर देख लीजिए जो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम इसमें अपेयर होंगे। तो स्टूडेंट, ये पेपर है आपका जो 24 अगस्त को किया गया था सेकंड मीटिंग में, और इसका कट ऑफ भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बता देता हूँ स्टूडेंट, आप कट ऑफ चेक कर लें अपना। इसका जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है UR का, तो स्टूडेंट UR का जो कट ऑफ है वो आपका 60 प्लस जाएगा, और आपका OBC का 55 से 60 रहेगा, SC का कट ऑफ जो स्टूडेंट 50 से 55 तक रहेगा, और ST तो जो हमारा ST का कट ऑफ है ये हमारा 45 से 50 तक जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं EWS की। तो जो EWS कैटेगरी है उनका कट ऑफ जो है वो 50 से 55 के बीच रहने वाला है। तो आपके अगर इतने बन रहे हैं PET में तो आप समझ लो क्वालिफाई हैं PET को। ओके स्टूडेंट, और बाकी जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी वगैरह होते हैं उनका कट ऑफ ऑलरेडी कम जाएगा इन सब से। तो आपका पेपर था काफ़ी ईजी आया था, तो ये आपको देख रहा होगा जैसे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था। तो आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे आइसलैंड था, ये शीर्ष पर रहा था। उसके बाद आपका कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित, तो ये आपको पता है तेलंगाना। काफ़ी मतलब ईजी पेपर आया था, इतना टफ नहीं था कि इसको कोई मतलब हला ना पाए, है ना। तो ये पेपर पूरा पेपर है, और इस पेपर को आप sarkaririzult.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये इसको जाना जाता है भूटान को। नेक्स्ट है यहाँ पे रियाद किसकी राजधानी है, तो आपको पता होगा रियाद जो है वो सऊदी अरब की कैपिटल है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो आपको पता है गोवा। उस पर कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन। ये हिंदी का पैराग्राफ दिया हुआ था, काफ़ी ईजी था ये भी। प्रसिद्ध नवार कलेवरा जो उत्सव है ये कहाँ का है। नेक्स्ट ये सब यहाँ पे दे रखा है। हिंदी का पोर्शन काफ़ी ईजी था इसमें, गद्यांश पद्यांश वैज्ञानिक की दृष्टि से, ये उसी में गद्यांश का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है अनुच्छेद में निरामय शब्द का, इसमें नवीन हो जाएगा आंसर। इसका जो निकल के आ रहा था वो 48 MT आ रहा था। ये इतिहास का, इसमें सिराजुद्दौला किस युद्ध में मतलब अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन प्लासी हो जाएगा। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में। उसके बाद आपका हड़प नीति, तो लॉर्ड डलहौजी था ये, और इसमें क्या था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद जो धनवंतरी था उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो सभा थी उसमें जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे उनका नाम धनवंतरी था, इसको सबको पता होगा ये। ये जो है इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना पता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना ज्योति लाल हरदयाल ने की थी। मित्र मेला BD सावर का, होम रूल एनिमेशन, ये सही है इसमें। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सबसे पहले टॉमस रू आया था, फिर फान्यान आया था, फिर ह्वेनसांग आया था, यानी 1, 2, 3 सिक्वेंस बिल्कुल सही है। मौर्यकालीन भारत के विवरण जो वाली इंडिका के लेखक कौन थे, तो आपको बता होगा मेघस्थनी ज्योतिर्बिंडिका के राइटर थे। भिलाई आपका कोरबा से संबंधित है, और आपका इनमें से कौन सी क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में केस में शामिल था, तो ये था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। नागार्जुन बांध आपका पता है कृष्णा नदी पे है, और माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ाई किस वर्ष की गई थी, तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट ये जो थी वो 1953 था इसका राइट ऑप्शन। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य का नाम आपको पता ही है, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य था इसका नाम।
भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र यानी कि टेरिटरी क्षेत्र भी बोलते हैं। और उसके बाद भारत में श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन को नाम को जानते हैं, इसका ए ऑप्शन सही है। और भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान आपके PV नरसिम्हा राव जी थे। और किस्त के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि हो जाती है शेयर की कीमतों के बढ़ने पर। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो पंचायतों से संबंधित है वो अनुच्छेद 40 है। और प्रतिरोध जो होता है वो ओम का होता है। और उसके बाद आपका आर्टिकल 40 हो गया, नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। उसके बाद आपका त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा, तो इसे बलवंत राय मेहता ने रखा था। और त्वचा की सबसे ऊपरी सतह क्या होती है, तो ये हम अधिचर्म यानी एपिडर्मिस बोलते हैं इसको। और निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों की आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो इसमें आर्थिक न्याय प्रदान करता है वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो फंडामेंटल ड्यूटीज स्टेट पॉलिसी। और उसमें गजबदन का पर्यायवाची आपका गणपति हो जाता है। शुद्ध चयन करेंगे तो इसमें बहिष्कार यानी कि डी ऑप्शन, छीड़ का कुंठित होता है, तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित। और इसका आपको पता होगा, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो ऐसा राज्य तो आपका राजस्थान है। और RBI ने ये तो मास्टर कार्ड था इसमें, लेकिन राइट ऑप्शन इसका BA, इनमें से कोई नहीं। और फिर ये हमारा योग जो था वो योग जागरूकता, ये मनाया था आयुष मंत्रालय ने। और वर्ष 2021 में किस देश का पासपोर्ट, तो जापान का था। उसके बाद हमारा टोक्यो पैरालंपिक में इसमें स्टूडेंट मरियप्पन थंगावेलु था, लेकिन ये भी अब चेंज हो गए हैं, अब हो गए टेकचंद आज। और यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो ये आपका इसमें संडे हो जाएगा। तो ये आपका पेपर था PET का, काफ़ी अच्छा पेपर है। ओके स्टूडेंट, तो कट ऑफ तो मैंने आपको बता ही दिया है, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।